संस्कृति बचाओ मंच ने पूर्व मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती के शराबबंदी वाले बयान का समर्थन किया है। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से निवेदन है कि वह मध्य प्रदेश में शीघ्र शराबबंदी करें, क्योंकि शराबबंदी होगी तो हमारे समाज में बहुत सुधार आएगा। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि घर में कलह, अपराध, मारपीट, बलात्कार, हत्या, इन सब के पीछे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं शराब ही सामने आती है। व्यक्ति नशे में इस प्रकार के कृत्य करता है। चंद्रशेखर ने कहा, जिस प्रकार सीएम शिवराज ने मुरैना में जहरीली शराब से मृत लोगों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की और उसके पश्चात शराब माफियाओं के खिलाफ पूरे प्रदेश भर में कार्रवाई की, उसका हम स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री इन सभी कार्यों को तत्परता से करते हैं। हम उनसे यही निवेदन करते हैं कि वह मध्य प्रदेश में शीघ्र शराबबंदी करके एक अच्छा संदेश समाज के प्रति प्रदर्शित करें। उन्होंने उमा भारती के शराबबंदी वाले बयान का समर्थन किया है। संस्कृति बचाओ मंच उमा भारती जी का बात का समर्थन करता है, जिन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए। इस मामले को लेकर हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी भी सजग हैं और उन्होंने अभी जो जहरीली शराब से मृत लोगों के पश्चात जो कार्रवाई करी है उसका संस्कृति बचाओ मंच अभिनंदन करता है। सरकार की आय का स्रोत शराब हो सकता है, किंतु क्या हमारे अन्य आय के स्रोत उत्पन्न नहीं किए जा सकते? अगर शराबबंदी मध्य प्रदेश में होगी तो ये अति उत्तम कार्य होगा और इसका संस्कृति बचाओ मंच हृदय से स्वागत करेगा, अभिनंदन करेगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।